मित्रों, मैं भरत राणी जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत कब किया जाना चाहिए, इस व्रत का महत्व क्या है और इस व्रत की कथा क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, वट सावित्री व्रत जो है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या हो या ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा हो, ज्येष्ठ मास की अमावस्या या पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है, जहाँ पर अमांत पंचांग माना जाता है। तो अमांत पंचांग के अनुसार ये व्रत जो है वो पूर्णिमा के दिन किया जाता है, और जहाँ पर पूर्णिमांत पंचांग माना जाता है वहाँ पर ये व्रत जो है वो अमावस्या के दिन किया जाता है। तो इस व्रत का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। विवाहित महिलाएँ जो है वो वट सावित्री व्रत का पालन करती हैं, इस दिन वे व्रत रखती हैं और वट वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती है। कच्चे सूत का धागा जो है वो वट वृक्ष के बांधा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष जो है, जिसे बरगद का पेड़ हम कहते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश निवास करते हैं और उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर पति की लंबी आयु की कामना की जाती है, पति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, घर में संपत्ति बनी रहे इसके लिए, और गृहस्थ जीवन भी हमेशा सुखद रहे, गृहस्थ जीवन में मिठास बनी रहे इसके लिए ये व्रत जो है वह महिलाएं रखती हैं, विवाहित महिलाएं रखती हैं। अपने सौभाग्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत जो है वह विवाहित महिलाएँ रखती हैं और इसका पालन करती हैं। तो ये व्रत जो है, इस व्रत की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, कब से ये व्रत जो है वो प्रारंभ हुआ, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। मित्रों, अश्वपति नाम के एक राजा हुए थे, अश्वपति नाम के एक राजा हुए थे जिन्हें कोई संतान नहीं थी, वे राजा निसंतान थे। तो उन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान से प्रार्थना की, सूर्य भगवान की उन्होंने आराधना की। जब उन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या की तो उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपनी पुत्री का नाम जो है वो सावित्री रखा। सावित्री का अर्थ होता है एक चरित्रवान स्त्री, चरित्रवान स्त्री, पतिव्रता स्त्री, जिसे सावित्री कहा जाता है। शास्त्र भाषा के अनुसार सावित्री एक चरित्रवान स्त्री को कहा जाता है। तो उस बच्ची का नाम, उस कन्या का नाम उन्होंने, अश्वपति राजा ने अपनी बेटी का नाम जो है वो सावित्री रखा। और जब सावित्री जो है विवाह योग्य हुई तो सत्यवान नामक राजकुमार को सावित्री के लिए उन्होंने चुना। पर जब नारद जी को ये पता चला तो नारद जी ने आकर अश्वपति राजा को बताया कि सत्यवान जो है उनकी आयु लंबी नहीं है और वे अल्पायु है और 1 साल लगभग उनकी अभी आयु जो है वो शेष है। तो नारद जी से सावित्री ने उनकी आयु का अंतिम दिन जो है वो पता कर लिया, यानी उनकी मृत्यु कब होगी ये पता कर लिया। तो जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उससे 3 दिन पहले ही सावित्री ने भगवान की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, और जब वो बाहर गए किसी काम से तो उनके साथ सावित्री रवाना हो गई। और जब वो एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे तो उसी समय एक सांप ने आकर उन्हें डस लिया और सावित्री उस समय घबराई और उन्होंने अपनी गोद में ले लिया सत्यवान को, जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान जो है वो अल्पायु थे, तो उन्हें सत्यवान को जब सांप ने डस लिया तो सत्यवान को अपनी गोद में लेकर सावित्री बैठ गई। और अपने पति को इस स्थिति में देखकर वह बहुत ही दुखी हुई, और उस समय वट वृक्ष के नीचे बैठी थी तो वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है, ऐसा मानकर वह वट वृक्ष की पूजा करने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वे उनके पति को जीवित कर दे। तो यमराज जब धरती पर सत्यवान के प्राण हरने के लिए आए तो उन्होंने सावित्री की अपने पति की प्रति, यानी सत्यवान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा को देखकर वे सावित्री पर बहुत ही खुश हुए, और वो जो भगवान की पूजा कर रही थी, वट वृक्ष की पूजा कर रही थी, तो धार्मिक स्वरूप उसका देखकर तो यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा कि तुम 3 वरदान मांगो, मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ, इन प्राणों के बदले तुम कोई 3 वरदान मांग लो। तो सती सावित्री ने पहले वरदान मांगे, उसके ससुर जो थे, सास ससुर जो थे वो अंधे थे,
तो उनके लिए उन्होंने नेत्र ज्योति मांगी। पहला वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर को नेत्र ज्योति दो। फिर दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए पुत्र मांगा, क्योंकि वह एक पुत्री ही थी और पुत्र जो है वो दोनों लोकों से पार उतारता है व्यक्ति को, क्योंकि पुत्र के बिना मोक्ष मिलना मुश्किल है। तो उसने अपने पिता के लिए दूसरे वरदान में पुत्र मांगे और तीसरे वरदान में उसने स्वयं के लिए पुत्र का वरदान मांगा। इसके बाद यमराज जो है सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं बिना पति के पुत्र सुख कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। तो यमराज ने सावित्री की बुद्धिमत्ता देखकर, उसकी चतुरता को देखकर उसे सत्यवान के प्राण जो है वो छोड़ दिए और उसे लंबी आयु का आशीर्वाद देकर और सावित्री को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान हुए। तो इस तरह से सावित्री ने जो है अपने पति की लंबी आयु प्राप्त की, लंबी आयु का वरदान मिला और उसका पति जो है वो स्वस्थ हो गया। तो इसी वजह से इस दिन का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत जो है वो रखती हैं। और मित्रों, ये मेरी ओर से वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।